रांची के जैपवन ग्राउंड में आयोजित 17वें झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट के समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। राज्य के डीजीपी केएन चौबे ने स्वागत भाषण के साथ मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। इस मौके पर जवानों ने मार्च पास्ट कर मुख्यमंत्री को सलामी दी। वहीं मुख्यमंत्री ने उपस्थित जवानों एवं गणमान्य लोगों का अभिवादन किया। पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान आयोजित विविध प्रतियोगिताओं के विजेता पुलिस जवानों को इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत करते हुए हौसला अफजाई भी की। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण की आधुनिक चुनौतियों के मद्देनजर विज्ञान आधारित अनुसंधान पर विशेष बल देने की बात कही। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान पद्धतियों का व्यापक इस्तेमाल दर्ज कांडों के अनुसंधान में होना चाहिए। माननीय न्यायालय भी अभियोजन पक्ष की सुनवाई के लिए सुनवाई के समय विज्ञान आधारित साक्ष्यों को बहुत अहमियत देते हैं, जिससे अभियोजन पक्ष मजबूत होता है तथा अभियुक्तों को सजा दिलाने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए चुनौती बने नक्सलवाद से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए प्रभावशाली कदम उठाने की भी हिमायत की। झारखंड के मूल समस्याओं में नक्सलवाद एक मुख्य समस्या है। इसके समाधान एवं क्षेत्र के विकास के लिए भी प्रयत्नशील रहना होगा। मुख्यमंत्री ने नारी सशक्तिकरण की महत्ता बतलाते हुए राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर चिंता भी जताई और पुलिस विभाग को हर हाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम कसने का निर्देश भी दिया। महिलाओं के खिलाफ अपराध और अवैध मानव व्यापार की समस्या सभ्य समाज पर एक कलंक है। इसे हर हाल में पुलिस को एक योजनाबद्ध तरीके से रोकना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के संबंधित विभाग एवं विभिन्न एनजीओ के साथ समन्वय स्थापित कर महिला सुरक्षा में जन सहभागिता प्राप्त करें। सेवा ही लक्ष्य के मूल सिद्धांत का अनुसरण करते हुए जन जन को शांति और सुरक्षा का एहसास कराने के संकल्प के साथ ही पुलिस ड्यूटी मीट का समापन हो गया।